हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम जम्मू पहुंचे क्रिकेटर इरफान पठान जी। पहले कश्मीर में गए थे और किस तरह से जो हुनर है क्रिकेट का वो सामने निकाल रहे हैं और अभी जम्मू में हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मंदिरों के शहर जम्मू में। किस तरह का टैलेंट देखने को मिला सर? पहले आप कश्मीर का भी चक्कर लगा के आए, आज जम्मू में भी देख रहे हैं, कितना टैलेंट है बच्चों में? देखिए मैंने अभी करीबन 10-12 दिन यहाँ पे बिताए, यहाँ पे भी मैं आ जाया हूँ जम्मू में, और टैलेंट देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस मुझे लगता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो टर्फ पे खेलें, जिसकी रिकमेंडेशन ऑलरेडी हो चुकी है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को। जस्टिस सी के प्रसाद, जस्टिस आलम जो एडमिनिस्ट्रेटर है अभी जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन के, और सीईओ बुखारी साहब, वो काफ़ी कीनली क्लोजली काम कर रहे हैं टर्फ विकेट आगे बनाने के लिए। क्योंकि मैटिंग पिच पे अगर आप इतने तेज़ नहीं भी हो तो भी आप ज़्यादा तेज़ लगते हो, उसकी बाउंस अलग होती है। लेकिन जितना भी नेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL हो या कोई भी क्रिकेट हो, सब सारा टर्फ पे होता है। और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपके पास 3-4 ग्राउंड होने चाहिए, तो वो तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। और टैलेंट की जो बात करें तो टैलेंट तो है, बस खाली थोड़ा माइंडसेट और एक्सपीरियंस की कमी है। कश्मीर में भी आप गए, वहाँ का भी यूथ आपने देखा, हालांकि कुछ हालात ऐसे नहीं रहते कि बच्चे वहाँ पर बाहर आ पाए, लेकिन फिर भी अभी प्रीति जिंटा की टीम में भी एक हमारा यंगस्टर डार लड़का गया था क्रिकेट में, और भी ऐसा काफ़ी टैलेंट है। कश्मीर से कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ टैलेंट भी, और टैलेंट है, ऐसा नहीं है टैलेंट नहीं है। मतलब मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि यहाँ के लड़कों को सिर्फ एक चीज़ जाननी होगी। कई बार ये भी बात सुनने की आती है कि हमारे साथ मतलब कहते हैं कि हमारे ज़्यादा लड़के क्यों नहीं खेलते हैं। मेरा सीधा सीधा हिसाब है ये मानना कि अगर आप सीज़न में 1000 रन करेंगे, 800 रन करेंगे, तो कौन क्यों नहीं लेगा आपको? परवेज़ ने जिस सीज़न रन किए थे वो सिलेक्ट हुआ था। सिमिलरली अगर एज ए बॉलर आप हैं, अगर आप सोचेंगे कि आपको 20 विकेट पे आपको सिलेक्ट होना है सीज़न के, नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो पूरे, जो आपको अगर पूरे मुल्क की बात करें, चाहे वो साउथ जोन हो, नॉर्थ जोन हो, वेस्ट जोन हो, ईस्ट या नॉर्थ, कहीं के भी लड़के हो, वो जब तक पूरा परफॉर्म नहीं करते तब तक वो सिलेक्ट नहीं होते। तो यहाँ के लड़कों को भी सोचना होगा, ये जिम्मेदारी खुद पे लेनी होगी। देखिए अगर हम ये सोचेंगे एज अ यू नो, बिकॉज मैं भी अभी जम्मू कश्मीर क्रिकेट का पार्ट हूँ, अगर हमारे बच्चे ये सोचेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हमने परफॉर्म किया है और हमको सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो मैं खुद कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़े ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, ज्यादा विकेट लेनी पड़ेगी। एक लास्ट सवाल, क्या मैसेज है आपका J&K के सभी के लिए? सब में टैलेंट है काफी। देखिए आज भी अगर देखें तो 80 बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, और भी बच्चे आने वाले हैं, और भी बच्चों को मैं देखूंगा। ऑलरेडी मैंने 2 बच्चे आइडेंटिफाई किए जिनको मैं रिकमेंडेशन दूंगा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को कि उनको लुक आफ्टर किया जाए, उनके क्रिकेट को हेल्प किया जाए। मेरे साथ मिलाप मेवाड़ा है, वो काफी क्लोजली देख भी रहे बच्चों को। यही है कि खूब मेहनत करें और परफॉर्मेंस और इज ए टीम वर्क पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे इरफान पठान, जो कि जम्मू पहुंचे हुए हैं और इससे पहले कश्मीर में भी गए, और जिस तरह से टैलेंट है हमारे यूथ में, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यंगस्टर्स का टैलेंट है और किस तरह से इन्होंने जो है इरफान पठान यहाँ पर आए, उनको गुर सिखा रहे थे क्रिकेट के। और हमारे साथ अभी मैं आपको कुछ क्रिकेटर से भी बात करवाऊँगा जो कि जिनके अंदर कैसा उत्साह है, खास करके अगर बात करें कि उनके साथ इरफान पठान अभी मिले थे, कैसा लग रहा है? इरफान पठान आए थे, आप लोगों को सिखाया उन्होंने क्रिकेट वगैरह के, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा देखने को खेलने को मिल रहा है, अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, मतलब बता भी रहे हैं कैसे बॉल डालने का। जब इस तरह से बड़े बड़े क्रिकेटर जिनको आप टीवी पे देखते हैं और वो जब आप लोगों के बीच में आते हैं, कितना आपका मोरल अप होता है इसमें? का अच्छा महसूस होता है उनको देख के कि कहीं ये भी हमारे बीच में आते हैं, हमारा मतलब देखभाल करते, ध्यान रखते हैं हमारा। और काफ़ी उनके साथ सर आए हैं ब्रोडा के कोच, सर नाम नहीं जानता उनके, बट वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी बॉल डालने में, बता रहे हैं कैसे बॉल क्या डालना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब जो यूथ हैं यहाँ हमारे जम्मू के, आने वाले दिनों में शायद इनमें से ही कोई क्रिकेट की दुनिया में भी आपको नज़र आए, और यही काम करने आए हैं इरफान पठान। और इरफान पठान अभी पहले कश्मीर गए थे, वहाँ का भी यूथ उन्होंने देखा और किस तरह से उनको गुर सिखाई क्रिकेट के, और अब फिलहाल जम्मू में है। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ JK मीडिया के लिए।